जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में एक बहुत बड़ा सड़क हादसा पेश आने के बाद इस समय हम जम्मू नौबाद जिले की जीवल एरिया में मौजूद हैं और यहां पर आपको बताने चले कि एक बड़ा सड़क हादसा डोडा में जो पेश आया है उसके बाद जम्मू की बात करें तो जम्मू में यहां पर ट्रैफिक पुलिस जो है वो मुस्तैद हो चुकी है और जो भी मेटाडोर्स है या फिर बसेस है उनके कागजात इस समय यहाँ पर देखे जा रहे हैं। ये जो मेटाडोर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं JK02B Q0198 इस मेटाडोर के कागजात यानी कि इसकी फिटनेस जो है वो नहीं थी और जिसके चलते इस मेटाडोर को जो है वो ट्रैफिक पुलिस द्वारा सीज कर दिया गया और लगातार जिस तरह से जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में एक बहुत बड़ा सड़क हादसा पेश आया और उसके बाद ये पता चला कि इस बस का जो है वो 31 मार्च 2023 के बाद जो है वो इसका परमिट जो है वो ड्यू हो गया था और अप्रैल महीने के बाद वो लगातार जो है बिना परमिट के चल रही थी और सवारियों की भी ओवरलोडिंग उसमें की गई थी जिसकी वजह से वो बस जो है वो सड़क हादसे का शिकार हो गई। लेकिन ऐसे में जम्मू सिटी की बात करें तो जम्मू सिटी में भी ट्रैफिक पुलिस काफी ज्यादा मुस्तैद है और आप देख सकते हैं कि ये वो मेटाडोर है जिसकी फिटनेस नहीं थी और इस मेटाडोर को जो है वो ट्रैफिक पुलिस द्वारा यहां पर सीज कर दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है ट्रैफिक पुलिस का। हालांकि लगातार जिस तरह से कड़ा सड़क हादसा पेश आया और इसमें जो कि बस थी उसके जो है परमिट नहीं था लेकिन ऐसे में ये मेटाडोर भी एक सीज की गई है जिसकी फिटनेस जो वो नहीं है। भाई साहब क्यों सीज की गई मेटाडोर? सर 100 बार गड्डी पास कराई दी है तो फिटनेस होने जाने मुंह थोड़ी चढ़नी है। फिटनेस चढ़ाई दी है पास हुई थी गड्डी तो रसीद मंगवाना सर। रसीद है थोड़े कोल? हां मंगवाना फोन से। तो मैडम से पता अगर अपने कोल डॉक्यूमेंट नहीं होता मतलब पास कराई 100 बार दिया है कराई दी। हां जी फिर दसो ना रसीद वगैरह की। रसीद हम मंगवा दा व्हाट्सएप पे। गड्डी बेच रही है? गड्डी च नहीं है थोड़े ने पास कराई आका चढ़ाई हूं फिटनेस। ये सीज करी है मेटाडोर ने? हां करी है। करी है तो देख सकते हैं कि भाई साहब ये कह रहे हैं कि इनके पास फिटनेस है। इन्होंने कुछ दिन पहले मेटाडोर को पास करवाया है लेकिन अभी फिलहाल वो कह रहे हैं कि अपने डॉक्यूमेंट को मंगवा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई आप देख सकते हैं कि एक मेटाडोर को सीज किया गया और लगातार ये कार्रवाई जो है अब जम्मू की बात करें तो जम्मू में ट्रैफिक पुलिस अब जो है वो काफी ज्यादा मुस्तैद यहां पर हो चुकी है और हर एक गाड़ी के डॉक्यूमेंट जो है वो काफी ज्यादा बारीकी से यहां पर देखे जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के जो DTI साहब हैं और उनकी पूरी जो टीम है वो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा मुस्तैदी के साथ यहां पर हर एक गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स यहां पर देख रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कौन सी गाड़ी है जो कि बिना डॉक्यूमेंट्स के जो है वो सड़कों पर फन्नाटे भर रही है और अगर ऐसी कोई पाई गई तो उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर जो कार्रवाई रहेगी कानूनी वो जो है वो की जाएगी। तो लगातार बड़ा नाका यहां पर है और कुछ लोकल्स भी हमारे साथ है। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे आज ट्रैफिक पुलिस यहां पर जो है वो जिस तरह से डोडा में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया गाड़ी का जो है परमिट नहीं था लेकिन उसके बाद आज जम्मू में ट्रैफिक पुलिस लगातार आज जो है वो गाड़ियों के कागजात यहाँ पर देख रही है और गाड़ियों को सीज भी यहाँ पर किया गया। ठाकुर जी सबसे पहले तो मैं दर्दनाक हादसा हुआ है उन सभी जो आत्माओं की शांति के लिए भगवान से दुआ करता हूँ कि उनकी सभी आत्मा को भगवान शांति प्रदान किए और उनके सभी परिवारों को सहानुभूति दी। और बाकी रही दर्दनाक हादसे की आज मैं स्पेशली ट्रैफिक पुलिस जो यहाँ पर विशेष नाका लगाए वो चीफ साहब के द्वारा इनकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि जो यहाँ पर ये इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख रहे हैं जैसे कल आपको पता होगा कि जो कल की बस थी ना तो उनके पास परमिट था वो भी रिन्यू था जिसकी वजह से जो हादसा हुआ ओवरलोडिंग थी जो और उसी के माध्यम से इनको मेरे को लगता है जो निर्देश मिले हैं उन पर ये काम कर रहे हैं और मैं इनका काफ़ी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन टाइम ये सभी वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम पर जो भी सुरक्षा व्यवस्था या हमारे ट्रैफिक पुलिस के द्वारा इनको दी जाती है निर्देश दिया जाता है उनके मुताबिक ये काम करें और आने वाले दिनों में ये हादसा ना हो। तो बिल्कुल लोकल लोगों में काफी ज्यादा खुशी है जिस तरह से डोडा में सड़क हादसा पेश आने के बाद जम्मू में ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद हो चुकी है और लगातार अब यहाँ पर गाड़ियों के डॉक्यूमेंट देखे जा रहे हैं जिन गाड़ियों की फिटनेस या कोई RC वगैरह उनकी एक्सपायर हो गई है तो उनके गाड़ियों को यहाँ पर जो है वो सीज किया जा रहा है। आप जनता अपने सुझाव इस पर जरूर दीजिएगा कि आखिरकार जब इन चालकों के पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इनकी फिटनेस नहीं है या फिर इनका परमिट नहीं है तो ये जो है वो चंद पैसों के लालच में जो है वो क्यों जो है वो लोगों की जिंदगियों के साथ है एक बड़ा खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं फिर लोगों की जिंदगियों को जो है वो खतरे में डालते हैं। अब सभी लोगों से अपील है कि जब भी आप लोग कोई गाड़ी सड़क पर चलाएं तो उसमें ओवरलोडिंग ना करें खासकर मेटाडोर हो या फिर कोई बस हो उसमें ओवरलोडिंग ना करें और अपने डॉक्यूमेंट्स हो वो पूरे रखें और ट्रैफिक रूल्स का पालन करें ताकि लोगों की जिंदगियों की सेफ्टी को भी जो है वो यकीनी बनाया जा सके। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर जम्मू।